स्टूडेंट्स क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4 विच इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चंस इन द होल बुक। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है, कह रहा है फाइंड एलसीएम। इसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। इसका आपने क्या निकालना है, सिंपली एलसीएम निकालने का उसने कहा है। किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। पहला अगर आप पार्ट देखें हुआ है 39x की पावर 7 y क्यूब z एंड 91x की पावर 5 y 6 और z 7। इसको सबसे पहले तो आप फैक्टराइज कर लें, 39x7y³z। कैसे फैक्टर बनाएंगे इसके? 39 को 3 × 13, इसके प्राइम फैक्टर्स यही होंगे। 3 × 13 क्या होगा? 39 को ब्रेक करके यूं लिख दिया, साथ में आपने ये x7 एज इट इज आ गया, y क्यूब आ गया और जी आ गया। अब दूसरा आपके पास जो एक्सप्रेशन दिया वो क्या है? वो है 91x^5, y^6 और z^7। अब 91 को आपने ब्रेक करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने। क्या बनेंगे? 7 × 13। यहां मैं ये रफ करके आपको दिखा भी देता हूं कि कैसे 39 के अगर आप फैक्टर्स बनाएंगे, 3 × 13 = 13 × 1। इसी तरह 91 के अगर आप फैक्टर्स बनाएंगे तो ना ये 2 पे डिवाइड होगा, ना 3 पे, ना 4 पे, ना 5 पे, ना 6 पे, 7 पे होगा और 7 × 13 = 13 × 1। तो फैक्टर्स क्या हो गए? 3 और 13 और 91 के 7 और 13। ओके हो गया। अच्छा ये आपका रफ वर्क है। इनटू x की पावर 5 ओके, y की पावर 6 और z की पावर 7। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका एलसीएम निकालना है हमने, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या होता? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जो सबसे पहले जो कॉमन नहीं है ना उनको लिख लें। इसमें और इसमें 3 कॉमन नहीं है, मल्टीप्लाई बाय जो 7 ये भी कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें नहीं है, इसमें है। 13 इसमें और इसमें दोनों में है, तो 13 को एक दफा लिख लेंगे। उसके बाद इन दोनों में देखेंगे जो मैक्सिमम पावर है, x की पावर 5 और x की पावर 7। क्या है पावर बड़ी? कौन सी है? x की पावर 7। इसमें y की बड़ी पावर क्या है? y 6। इसमें z की बड़ी पावर कौन सी है? z की पावर 7। ओके हो गया। 7 × 3 = 21 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 1 = 13, 3 × 1 = 13, 2 × 26 + 1 = 27। 273 इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, 273 आएगा, x की पावर 7, y की पावर 6 और z की पावर 7। स्टूडेंट्स ये आपके पास इसका एलसीएम आ चुका। ये बात समझ में आई? अब हम सेकंड पार्ट की जाने बातें। सेकंड पार्ट है 102 x और y की पावर 2 z, फिर 85x² + 187x, y² और z². सबसे पहले उसी तरह फैक्टर्स बना लें, किसका? 102 x y² z का। ओके 102 के अगर आप फैक्टर्स बनाएं, रफ वर्क मैं यहां इसके नीचे कर रहा हूं, यहां पे किसका? 102 का 2 पे डिवाइड होगा तो 51 आ जाएगा, फिर 3 पे डिवाइड होगा तो 17 आ जाएगा। ओके फिर 85 के यूं ही फैक्टर्स बना लेते हैं, यहां पे 5 पे डिवाइड होगा 17 आ जाएगा, 17 × 17। फिर 187 के फैक्टर्स बना लेते हैं। ओके ये किस पे डिवाइड होगा? 11 पे डिवाइड होगा, क्योंकि 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे करके देखेंगे नहीं होगा डिवाइड, 11 पे होगा। 11 × 11 = 7, क्या 7 कैरी किया 77 हो गया, 11 × 7 = 77, फिर 17 × 17। अब 102 है और 85 x² y z। ओके 187 x y z². ये बात समझ में आई? आइए इनको इनके फैक्टर 102 के फैक्टर्स हमने क्या बनाए, 2 × 3 × 17 × 17 × 17 × 3 × 17 × ये x y² और z, ये वैसे का वैसे आ गया। 85 के हमने स्टूडेंट्स फैक्टर्स क्या बनाए? 5 × 17 हमने क्या बनाए? बनते ही ये थे, मल्टीप्लाई बाय x² y z, ये वैसे का वैसे आ गया। 187 के फैक्टर्स क्या बने जो प्राइम फैक्टर्स हैं? 11 × 17 × x y z² ये बात क्लियर हुई?
एलसीएम की तरफ जाते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करने की तरफ। तो जो तरीका यही है वही यहां अप्लाई किया, डेफिनेटली वही वही होगा, यहीं पे होगा कि जो कॉमन नहीं है पहले वो लिख लें। क्या टू कॉमन नहीं है, टू मल्टीप्लाई बाय थ्री भी कॉमन नहीं है वो भी लिख दिया, फाइव कॉमन नहीं है वो भी लिख दिया, इलेवन कॉमन नहीं है वो भी राइट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय सेवनटीन तीनों में है तो सेवनटीन को एक दफा लिख दिया। अच्छा मल्टीप्लाई बाय, अब एक्स वाई और जेड में जहां जो मैक्सिमम पावर है वो राइट कर देनी है। इसमें तीनों में सबसे बड़ी पावर एक्स की कौन सी है, एक्स टू राइट कर दी। वाई की मैक्सिमम पावर कौन सी है, वाई टू। जेड की मैक्सिमम पावर कौन सी है, जेड टू। ओके अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स फाइव जा थर्टी, थर्टी को इलेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री थर्टी हो जाएगा, थ्री थर्टी को सेवनटीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवनटीन जीरो जा 17, 17 3 जा 51, 1 आ गया, 5 कैरी, 17 3 जा 51 प्लस 5, 56, 5 6 1 0, और x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या आ गया आपके पास इसका, 5 6 1 0, x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी क्वेश्चन नंबर 5 की उसमें मुलाकात होगी। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आपने देखा क्वेश्चन नंबर 4 इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन इन द होल बुक आई वुड से। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़।